गरीब दर्जी बहू की सफलता। पंसाली गांव में दामिनी और कावेरी नाम की गरीब सास बहू रहती थी। कावेरी का पति भुवन अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागता रहता था, जिस कारणवश घर का भार कावेरी के कंधों पर लदा हुआ। वह लाचार बहू लोगों के खेतों में बनिहारी करती थी, तब जाकर कहीं उनके घर का चूल्हा जलता। एक सांझ कावेरी घर आती है, तभी उसे अपना दुदमुहा बच्चा मुन्ना भूख से मचलते दिखता है। मुन्ना मेरे लाल, ना रो बेटा। बहू आ गई तू? क्या बात है बहू, तेरा चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्या बताऊ माँ जी, जिन खेतों में मैं बनिहारी करती थी उनके भूपतियों ने आधुनिक मशीनें खरीद ली हैं, जिससे बीजों की बुआई निराई बड़े आसानी से हो रही है, इसलिए अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं। हे भगवान, अब कैसे चलेगा घर बार? यही चिंता मुझे भी खाए जा रही है माँ जी। घर के खत्ते खाली हैं, हाथ में खोटा सिक्का तक नहीं। सोचा था आज बनिहारी से जो चार पैसे आते उससे राशन पानी लाती, मगर नसीब ही निर्दयी निकली। बेरोजगारी ने कावेरी के मन को भीतर तक झकझोर दिया था, जिस मारे उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। आधी रात उसकी सिसकियां सुनकर उसकी सास दामिनी उसके पास आकर आंसू पोंछती हुई बोलती है, बहू चुप हो जा, अब क्या रात भर रोते रोते काटेगी? आंसू बहने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे। अचानक दामिनी की नजर कोने में रखे सिलाई मशीन पर जाती है, जो बहू के ब्याह के साथ दहेज पे आया था। बहू, हमारी परेशानी का हल तो हमेशा से नजर के सोझे था, हम ही उसे नहीं देख सके। माँ जी आप क्या कहना चाह रही हैं? बहू तू ब्याह से पहले अपने पीहर में सिलाई बुनाई करती थी ना? हाँ माँ जी, मगर आपको कैसे खबर? इस दहेज के सिलाई मशीन को देखकर बहू। बहू कभी कभी ईश्वर का किया हमें देर से समझ आता है। तू चिंता को परे रख कर कपड़े सिलना शुरू कर, क्योंकि अपना कारोबार दूसरों की चाकरी से भला है। इससे मुन्ना भी तेरे साये तले पलेगा, कम से कम कोई मेरी बहू को बनिहारिन नहीं कहेगा, बल्कि अब से तू दामिनी की दर्जी बहू कहलाएगी। सास की आस देखकर बहू दृढ़ निश्चय के साथ कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है और चंपा पहला ग्राहक बनकर दर्जी बहू के पास आती है। अरे दामिनी की बहू भीतर है क्या? चंपा चाची आओ ना, क्या मदद चाहिए आपको? बस मेरा ये ब्लाउज सिल दे। वो क्या है ना, बब्बन दर्जी की दुकान आज बंद है और दामिनी ने बताया था कि तूने भी सिलाई शुरू की है, तो चली आई। वैसे तुझे इल्म तो है ना, पता चले मेरे ब्लाउज बिगाड़ दे। बेफिक्र रहो चाची, ब्लाउज में सुई बराबर भी कमी घटी नहीं मिलेगी। इसके बाद दर्जी बहू चंपा का नाप लेकर ब्लाउज बनाने बैठ जाती है। अगले दिन चंपा दर्जी बहू के घर आती है। ये लो चाची आपका ब्लाउज तैयार है। अरे दामिनी की बहू तू तो पक्की दर्जी है, जैसा बताया था ब्लाउज की बनावट एकदम वही की है, तुरपाई भी कितनी बारीकी से की है। कितना दाम हुआ? सिर्फ 150 रुपए चाची। सिर्फ 150 रुपए? मगर वह बब्बन तो एक ब्लाउज का दुगना दाम ले लेता था। चंपा दर्जी बहू को 200 रुपए देकर चली जाती है और दामिनी कहती है, बहू तू आधे दाम में कपड़े क्यों सिल रही है? माँ जी अगर मैं दूसरे दर्जी से कम दाम रखूंगी तो ही तो ग्राहक हमारे घर में आएंगे। समय बीतता है। एक सुबह कांची बुदबुदाते हुए चंपा की चौखट से गुजर रही थी, तभी चंपा उसे टोकती है। अरे ओ कांची, अरे ठहर जा, जरा खुद में क्यों कुड़कुड़ा रही है? अरे क्या बताएं चंपा, हमारा बलमा बनारस से हमरे खातिर एक अरसे बाद एक ठो साड़ी लाए रहा, उका ब्लाउज सिए के लिए बब्बन को दिए रहे, ससुरा ब्लाउज की जात मार दी, आड़ा टेढ़ा गला गढ़ दिया है और तुरपाई देखो कितने मोटे तौर से किया है। अरे तू एक दफा मुझे तो बताती मेरे नजर में कैसी दर्जी है जो कम दाम में दमदार सिलाई करती है। अरे पंसली में ऐसा कौन सा दर्जी जन्म ले लिया जौने के कांची नहीं जानत है। अरे हमारी सखी दामिनी की बहू बनी है दर्जी, तू अपना बिगड़ा हुआ ब्लाउज लेकर आ। चंपा और कांची उनके दर्जी बहू के घर आती हैं, तभी कावेरी कहती है, चिंता मत करो कांची काकी, ये ब्लाउज मैं आपके नाप का किए देती हूँ, थोड़ी फिनिशिंग की कमी है, आप दोनों बैठ जाइए। अपनी सूझबूझ से दर्जी बहू उस ब्लाउज को एकदम बेहतरीन बना देती है। कुछ देर बाद, ये लो काकी आपका ब्लाउज। इसके बाद कांची अपने ब्लाउज को उलट पुलट करके देखने लगती है और खुश मन से कहती है, अरे वाह कावेरी बहुरिया, तू तो टेलर की बाप निकली, बिगड़े ब्लाउज की जात बदल दी, कितना दाम हुआ? 100 रुपए काकी। ये ले बहू तेरा मेहनताना का मोल, अब कांची के कदम तुझ दर्जी बहू की दहलीज पर ही आएंगे। सिर्फ कांची और चंपा के तन पर दर्जी बहू के हाथों सिला डिजाइनिंग ब्लाउज देखकर गांव की सभी औरतें बेहद आकर्षित होती हैं। धीरे धीरे पूरे पंसाली गांव में दामिनी की गरीब दर्जी बहू को पहचान मिलने लगती है।
अब गरीब बहू के पास कपड़ों की ढेर लग जाती है, वह सच्चे लगन के साथ कपड़े सिलती, जिसके बदले में उसे कमाई के साथ बड़ाई भी मिलती। दर्जी बहू घरेलू बागडोर के साथ अपने दुधमुहे बच्चे को भी वक्त देती। समय बीतता गया और दर्जी बहू के हाथों का हुनर और ज्यादा निखरता चला गया, जिसके कारण अब गांव देहात हर दिन उस दर्जी बहू के घर के आंगन से लेकर द्वार तक हाथों में कपड़े लिए कतार में खड़ा रहकर अपनी बारी आने की बाट जोहता। फिर उसी रात, कावेरी बहू, एक सवेर से रात तक काम करते करते थकावट के मारे तेरा चेहरा चढ़ गया है, तू सो जा, मुन्ना को मैं सुला देती हूँ अपने संग। माँ जी, अब आपकी दर्जी बहू की सिलाई का काम पूरे पंसाली गांव के कोने कोने में छा गया है। मेरे हाथों सिले कपड़े लत्ते लोगों में आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। ऊपर वाले की दया से हम सास बहू के सर से गरीबी की बदरा छट गई, मगर मैं अपने गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, ताकि वह भी अपने घराने को गरीबी से उभार सके। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही नेक विचार है। ऐसा करने से हमारा गांव गरीबी रेखा से काफी हद तक उभर जाएगा। अगले ही दिन दर्जी बहू गांव की बहुओं के बीच एक बैठक रखकर अपनी राय साझा करती है। सभी औरतें रजामंदी जाहिर करती हैं। अब गांव की बहुओं का बड़ा तबका सुबह से सांझ तक दर्जी बहू के घर में सिलाई बुनाई सीखने लगती हैं, और माह भर के भीतर ही वह बारीकी से कपड़ा सिलने लगती हैं। दामिनी, तेरी दर्जी बहू की जितनी बड़ाई की जाए कम है। आजकल के दौर में लोग अपने हाथों की कला दूसरों में बांटने में कतराते हैं, वहीं तेरी दर्जी बहू ने अपने हाथों के हुनर से खुद को गरीबी के संग इस गांव के औरतों को आत्मनिर्भर बनाया है। हाँ चंपा, आज मुझे गर्व है कि दामिनी की मेरी बहू है और वो एक आत्मनिर्भर दर्जी है। अभी वह दोनों चौखट पर खड़ी बातें ही कर रही थी कि एक शहरी समूह उन्हें गांव के सीमा में आता दिखाई देता है। जी नमस्ते, हमें दामिनी जी की दर्जी बहू से मिलना है। जी कहिए, मैं ही हूँ दामिनी। कावेरी बहू, कावेरी बहू, जरा बाहर तो आना। सास की आवाज सुनकर सहज सादा लिबास पहने हुए दर्जी बहू अपने दुधमुए बच्चे को बाहों में थामे बाहर आती है। जी माँ जी, कहिए। जी नमस्ते, मेरा नाम शांति है, हम आशा निकेतन संस्था से आए हैं। कावेरी जी, आपके हाथों के हुनर की कलाकारी के किस्से, या फिर यूं कहें कि एक गरीब दर्जी बहू के चर्चे गांव देहात से लेकर शहर में सनसनीखेज हो चुके हैं। आप तो गरीब मसलूब औरतों के लिए कर रही हैं, उसे देखकर सरकार से लेकर पत्रकार के नजरों में शुमार हो गई हैं। अब सरकार ने हमारी संस्था की ओर से इस गांव की हर एक बहू के लिए सिलाई मशीन और हर एक दर्जी बहू को 10,000 का योगदान भेजा है। यह खबर सुनकर उस दर्जी बहू का चेहरा खिल उठता है, साथ ही उसकी आंखों में खुशियों के झरने बहने लगते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शांति जी। अच्छा, हम चलते हैं, इस गांव की सभी दर्जी बहुओं को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आखिरकार गरीब दर्जी बहू के द्वारा किया गया कड़ा संघर्ष अपना बड़ा असर दिखाता है, और कल तक जो गरीब बहू जमींदारों के खेत की बनिहारी किया करती थी, आज वह गरीब बहू अपने कला की कमाई पर आत्मनिर्भर है। सच्चा कथन है साथियों, जहाँ चाह है वही राह है। तीन जादुई सोने की सिलाई मशीन। धवलगढ़ गांव में रहने वाली फूलन के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी। फूलन सारा दिन आंखें गड़ाए उस सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सिलती थी। बदले में जो दाम मिलता उसी से घर का दाना पानी चलता था। उसके पति दामोदर का ना तो घर की जिम्मेदारी से कोई वास्ता था, ना तो नौकरी से नाता। दामोदर सारा दिन दारू के नशे में डूबा रहता है। उसकी ये बुरी लत उसकी जान की दुश्मन बन बैठी और आखिरकार उसका देहांत हो गया। कुछ समय बाद फूलन को भी बीमारी के बिछौने ने अपनी चपेटे में ले लिया। बीमारी से लड़ते हुए आखिर में वो जिंदगी की जंग हार गई, जिसकी वजह से उसके दोनों बच्चे बचपन में ही अनाथ हो गए। और 10 साल का चिंटू कहता है, माँ उठो ना, आंखें खोलो ना, आपके चिंटू को चिंता हो रही है। दीदी, माँ को क्या हुआ है, वो कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ हमें छोड़कर चली गई चिंटू, वो अब कभी नहीं लौटेगी। अब हम दोनों को ही एक दूजे का ख्याल रखना है। पहले बाबूजी भगवान जी के घर चले गए और अब माँ हम दोनों भाई बहन को रोता बिलखता हुआ अनाथ छोड़ गई। ऐसा कहकर अनाथ चिंटू फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी सिसकियां सर्दी की हवाओं में घुल जाती हैं। देखते ही देखते दो दिन गुजर जाते हैं और सर्दियां बढ़ चढ़ कर शिखर पर पहुंच जाती है। उसी बीच चिंटू अपनी बड़ी बहन से कहता है, सलोनी दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अपने भाई को भूख से तड़पते देखकर 12 साल की सलोनी की आग भर आती है।
क्या खिलाऊं मैं अपने भाई को? घर में तो अन्न का एक दाना नहीं। कैसी बेबस बहन हूँ मैं? मेरा भाई भूख से बिलख रहा है और मैं हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही। सलोनी रसोई घर में रखे राशन के टूटे फूटे डिब्बों को टटोलने लगती है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी सर्दी की भीषण भयंकर सर्द हवाएं उन बेसहारा बच्चों से छत भी छीन लेती है। मड़ई के तिनके सरकने के कारण सर्दी की लहर उनके घर में घुसने लगती है, जिस कारण दोनों भाई बहन ठंड से ठिठोरने लगते हैं। दीदी दीदी, मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, स्वेटर दो ना। हे भगवान, आखिर क्यों हम दोनों भाई बहन पर इस कदर कहर ढा रहे हो? ना हमारे पास खाने को एक कौर है, ना इस ठंड के कोहरे से बचाव के लिए एक कंबल है। कोई चारा न बचने पर सलोनी चौकी पर पड़े फटे चिथड़े चादर से अपने भाई को ढककर कहती है, चिंटू मेरी गोद में सरक कर सो जा, इससे तुझे सर्दी से गर्माहट मिलेगी। चिंटू को मिली बड़ी बहन की देखरेख के कारण उसका थरथराना तो थम जाता है, मगर वो बेसहारा बहन रात भर जाकर जाड़े की कहर को काटती है। तभी तकरीबन 3 बजे वो उमती हुई नींद के आगोश में चली जाती है और उसे उसकी माँ दिखाई देती है। माँ, आप क्या सचमुच आप मेरी आंखों के सामने हैं? जानती हूँ माँ, आपके जाने के बाद मैं और चिंटू हर रात भूखे प्यासे किस तरह ठंड का कहर भोगते हैं। मैं जानती हूँ सलोनी, इसीलिए मैं तुम दोनों की भूख और इस सर्दी का समाधान लेकर आई हूँ। तुम अक्सर पूछती थी ना कि हमारे घर में छोटा किवाड़ क्यों है? हाँ, मगर आपने कभी उस किवाड़ के बारे में नहीं बताया। सलोनी, वो किवाड़ एक तहखाने का खुफिया द्वार है। उस तहखाने में तुम्हें 3 जादुई सिलाई मशीन है वो मिलेंगी, जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेंगी। मगर कैसे माँ? इस मंत्र से, ए मेरे सिलाई मशीन, बन जा जादुई जिन, मेरी जरूरत पूरा कर। जादुई 3 सिलाई मशीन का पुख्ता प्रमाण बताकर फुलवा की छवि धुंधली हो जाती है और पंछियों की सुगबुगाहट के साथ सलोनी की आंख खुलती है। माँ कहा करती थी कि पाँव फटने की पहली किरण के पहर देखा गया सपना सच होता है। मुझे तीनों जादुई सिलाई मशीन को तलाशना होगा। सलोनी अपनी माँ के कहे अनुसार उस किवाड़ के भीतर तहखाने में आती है। इस तहखाने में सब कुछ कितना उजाड़ पड़ा है। अरे, ये चमकती चीज क्या है? 3 सिलाई मशीन जरूर, यही वो तीनों सिलाई मशीन होंगी जो जादुई है। सलोनी तीनों जादुई सिलाई मशीन को तहखाने से निकाल कर बाहर लाती है और कहती है, इस तीनों सिलाई मशीन में तो जंग लग चुका है, फिर ये जादुई कैसे हो सकता है? मगर मुझे एक प्रयास करना चाहिए। मेरी सिलाई मशीन बनकर जादुई जी मेरी जरूरत पूरा कर। सलोनी का शब्द खत्म होते ही तीनों सिलाई मशीन चमकती दमकती सुनहरी चमक से भरकर जादुई सिलाई मशीन बन जाती है, जिसके बाद पहली जादुई सिलाई मशीन खूब सारा खाना, दूसरी सिलाई मशीन खरे सोने का सिक्का और तीसरी सिलाई मशीन तेजी से रंग बिरंगे कपड़े सिलने लगती है। ये देख कर सलोनी कहती है, ये तीनों तो सचमुच में जादुई सिलाई मशीन है। खाने की मनमोहक खुशबू से मांद कर चिंटू जाग जाता है। अरे वाह दीदी, इतना सारा खाना देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चिंटू, ये सब कुछ इन तीनों जादुई सिलाई मशीन की देन है, चल जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाते हैं। कई दिनों के भूखे भाई बहन खाने पर टूट पड़ते हैं। मजा आ गया, कितने दिनों बाद इतना मजेदार खाना मिला है, शुक्रिया दीदी। शुक्रगुजार मेरा नहीं बल्कि उस जादुई सिलाई मशीन का करो। चिंटू, जिसकी बदौलत हम भाई बहन को इतना लाजवाब खाना नसीब हुआ है। तुम तीनों जादुई सिलाई मशीन का तहे दिल से शुक्रिया। दोनों भाई बहन भरपेट खाना खाकर खुश हो जाते हैं। देखते ही देखते सांझ की बेला बीत जाती है, जिसके साथ ठंड गर्दिश बनकर उनके टूटी फूटी गुमटी को घेर लेती है और दोनों भाई बहन ठंड से ठिठुरते हुए दांत खिटखिटाने लगते हैं। ये कोहरा तो हमारे घर को घेरे हुए है, ऐसे में सर्दी से बचने के लिए ना तो शॉल है ना ही स्वेटर। पर जादुई 3 सिलाई मशीन तो है दीदी। हाँ चिंटू, अब ये जादुई सिलाई मशीन ही जाड़े की मार से हम भाई बहन का बचाव करेंगी।
मेरी सुनहरी सिलाई मशीन बनकर जादुई चिन मेरी जरूरत पूरी कर, मुझे स्वेटर चाहिए। एक बार फिर तीसरी जादुई सिलाई मशीन सुनहरे रंग के सांचे में ढल जाता है और उस मशीन से सर्दी के स्वेटर का ढेर लग जाता है। इन सुंदर स्वेटर के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। तीसरी जादुई सिलाई मशीन ये लो चिंटू, तुम ये स्वेटर पहन लो। दोनों भाई बहन स्वेटर पहन लेते हैं। जादुई तीनों सिलाई मशीन के जरिए उनके घर की हर कमी घटी दूर हो जाती है। जब उन्हें भूख लगती तो पहली जादुई सिलाई मशीन उनके कहते ही 56 भोग परोस देती और दूसरी मशीन उनके बिन कहे सोने के सिक्के देती और तीसरी सिलाई मशीन उन्हें कपड़े देती। एक दिन दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं। दीदी, इन तीनों जादुई सिलाई मशीन के सारे हमारे दुख तो दूर हो गए, मगर जाने कितने बेसहारा बूढ़े बच्चे ठिठुरते हुए इस भयंकर सर्दी और कोहरे का कहर काटते हैं, हमें उनकी सहायता करनी। हाँ चिंटू, तुम सही कह रहे हो। दोनों भाई बहन तीनों जादुई सिलाई मशीन के सामने खड़े होकर ऊंची पुकार से कहते हैं, मेरे सुनहरी जादुई मशीन बनकर जादुई जीन मेरी जरूरत पूरी कर। उनके इतना कहते ही तीनों जादुई सिलाई मशीन सुनहरे तेज से भर कर उन्हें तरह तरह का खाना, सोने के सिक्के और सर्दी के स्वेटर देता है, जिसे लेकर वो दोनों गरीब राहगीरों की मदद के लिए निकल जाते हैं, जहां उन्हें फुटपाथ पर सोया एक बूढ़ा दिखता है। काका, आप तो ठंड से ठिठुर रहे हैं, आपके पास कोई कंबल नहीं? अरे बच्चों, जिस भूखे भिखारी के खाने को दाना नहीं, वो कंबल कहां से लाएगा? ये जाड़ा तो हर बरस हम जैसे जाने कितने गरीबों की जान ले लेता है। लगता है शायद आज रात मुझ बूढ़े की बारी है मौत का कौर होने की। ऐसा ना कहो काका, ये आप रखो, इसमें खाना है और सर्दी के स्वेटर भी। और ये सारे सोने के सिक्के भी आप रखो, अब आपको फुटपाथ पर रहकर सर्दी की मार झेलने की जरूरत नहीं। बाबा, हमने गरीबी को बहुत करीबी से देखा है, हम जानते हैं कि एक गरीब इंसान की तीन जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब आपकी तीनों जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान मुमकिन हो जाएंगी। जुग जुग जियो बच्चों, इस घनघोर सर्दी के सुखड़े सफर में तुम बच्चे मुझ गरीब का गढ़ ठहरे हो। इस तरह वो दोनों बच्चे अपनी तीन जादुई सिलाई मशीन से बेसहारा गरीब गणों की मदद करके सिलाई मशीन का सदुपयोग किया करते थे। काली बहू ने किया गोरी सौतन का स्वागत। सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती एक काली लड़की से करवा दी है, मुझे तो उसे देखना भी पसंद नहीं है। अरे यार, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो वो काली कलूटी घर से जाएगी नहीं। जब उसकी सौतन घर पर आएगी तो उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। कैलाश अपनी गर्लफ्रेंड सुप्रिया से बात कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उर्मिला अपनी बहू काजल के साथ बैठकर बात कर रही होती है। अरे बहू, तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। देख, एक औरत को अपने पति को काबू करना आना चाहिए, नहीं तो पति हाथ से निकल जाता है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला, मैं ये सब कैसे करूंगी? और फिर कैलाश जी जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे तो उन्हें देखते ही शर्म आ जाती है। अरे देख, तू उसे थोड़ा अपनी तरफ खींच, नहीं तो वो तेरे लिए कोई गोरी सौतन उठा के ले आएगा। अगर ऐसा हुआ तो माँ जी आप मेरे साथ हो ना, हम दोनों मिलकर उस लड़की को भगा देंगे। अरे बहू, तू तो बहुत भोली है, तू नहीं जानती कि आजकल की लड़कियां मर्दों को कैसे रिझा लेती हैं। उर्मिला ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। माँ जी आप रुकिए जरा, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है, शायद कैलाश जी आ गए होंगे। ऐसा सोचकर काजल दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजे पर कैलाश सुप्रिया के साथ खड़ा होता है। सुप्रिया की मांग में सिंदूर और कैलाश के गले में माला देखकर काजल को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसका पति कैलाश उसके लिए एक गोरी सौतन लेकर आया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ मेरी माँ को बुलाकर लेकर आओ, उन्हें कहो कि उनका बेटा उनके लिए बहू लेकर आया है। हाय मुरी दैया, ये सब क्या देख रही हूँ मैं, कैलाश जी आप तो मेरे पति हो और फिर आप मेरे होने के बावजूद भी किसी और से शादी कैसे कर सकते हो।
तभी वहां पर उर्मिला आ जाती है और कहती है, अरे निकम्मे, ये किस लड़की को उठा कर ले आया है तू घर पर? अरे जरा इसके कपड़े तो देख, लग रहा है जैसे चूहियों ने कुतर दिए हैं। ओहो माँ जी, ये कौन से जमाने की बातें कर रही हो आप? ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। चुप कर जा गोरी छिपकली, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पति को फंसा लेगी और मैं चुप रहूंगी? अजी आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी सौतन घर ले आओगे और मैं चुप रहूंगी? अरे मुझे सीधी सादी मत समझना। कैलाश काजल का काली का रूप देखकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है, देखो मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। अरे मैं इतना गोरा हूँ तो मेरी पत्नी भी गोरी ही होनी चाहिए ना। मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों ने ये स्वागत किया है मेरी पत्नी का। कैलाश, इससे अच्छा तो हम दोनों मेरे घर पर चलते, कम से कम मेरी माँ हमारा स्वागत तो अच्छे से करती। कैलाश सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर काजल रोते हुए अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप मुझे अपनी पसंद से लेकर आई थी क्या? कैलाश जी को मैं पसंद नहीं थी, अब मैं अपनी सौतन के साथ एक ही घर की छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? अरे बहू, चिंता क्यों करती हो, इस गोरी छिपकली को तो हम चुटकियों में यहाँ से भगा देंगे। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर और मेरे साथ मिलकर इस छिपकली का अच्छे से स्वागत कर। दोनों सास बहू उस दिन के बाद से सुप्रिया के पीछे पड़ जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुप्रिया मिनी स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर काजल कहती है, हे भगवान, ये आधी नंगी चुड़ैल सुबह सुबह हमारे घर में कहां से आ गई? अरे थोड़ी तो शर्म करो, जमाना थू थू करेगा कैलाश जी के ऊपर। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो, कैलाश जी तो मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर बहुत खुश होते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अंग प्रदर्शन करने वाली औरतों को तो मर्द देखता ही देखता है। उर्मिला की बात सुनते ही सुप्रिया को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सुप्रिया अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम होते होते जब सुप्रिया ऑफिस से वापस घर लौट आई तो उसे बहुत तेज भूख लगती है। अरे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इन दोनों ने कुछ तो बनाया ही होगा, चलो किचन में जाकर देखती हूँ। रसोई में जाने के बाद बेचारी सुप्रिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वहाँ काजल आ जाती है और कहती है, ओहो तुम्हें खाना चाहिए था क्या? जो भी खाना बचा था वो सब मैंने कुत्ते बिल्लियों को दे दिया, अब तुम्हारे लिए तो खाना ही नहीं बचा, अब क्या खाओगी तुम? सुप्रिया भूख में तड़पते हुए कैलाश के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी उस काली कलूटी पत्नी ने मुझे खाना तक नहीं दिया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अरे स्वीटहार्ट, तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो आज हम लोग बाहर डिनर करेंगे। ये सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है, जिसके बाद कैलाश और सुप्रिया डिनर करने के लिए बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी उर्मिला उनको जाते हुए देख पूछती है, अरे इतनी रात हो गई है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दरअसल माँ जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं, वो क्या है ना, आपकी इस काली कलूटी बहू ने मेरे लिए घर में कुछ भी नहीं बनाया। काजल ये सब अपने कमरे में सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। उनके जाने के बाद काजल अपनी सास उर्मिला के पास जाती है और कहती है, अरे माँ जी ये तो उल्टा हो गया, हम तो उसे कैलाश जी से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो बहुत तेज निकली, अब हम क्या करेंगे? आने दे उसको, आज की रात मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। रात को डिनर करने के बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के सोने के बाद उर्मिला एक छोटा सा पिंजरा लेकर आती है, जिसमें कई सारे चूहे बंद होते हैं। वो अपनी बहू काजल के साथ मिलकर उन चूहों को सुप्रिया के ऊपर छोड़ देती है और चुपके से वहां से चली जाती है। रात भर चूहों के डर से सुप्रिया सो भी नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ कैलाश गहरी नींद में सो जाता है। अरे कैलाश उठो, उठो ना, देखो यहाँ पर इतने सारे चूहे हैं, ऊपर से ये सभी चूहे मेरे ही बिस्तर पर कूद रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कैलाश उठो ना। कैलाश गहरी नींद में होता है, जिसके चलते सुप्रिया पूरी रात परेशान रहती है। अगले दिन जब सुप्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उर्मिला उसे देखकर कहती है, क्यों बहुरानी, कैसी नींद आई पूरी रात भर? सुप्रिया सब कुछ समझ जाती है, जिसके बाद वो कैलाश को ये सब बताती है, लेकिन कैलाश उसकी बात का विश्वास ही नहीं करता और वो सुप्रिया से कहता है, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, अरे वो काली जरूर है लेकिन इतनी चालाक नहीं कि वो तुम्हें परेशान कर सके। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली है। सुप्रिया कई बार कैलाश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैलाश उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके चलते सुप्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कैलाश से कुछ कहना ही छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ऑफिस में एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का आता है, जिसके बाद सुप्रिया उससे अपनी बातचीत बढ़ाना शुरू करती है।
एक दिन सुप्रिया अपने आप से कहती है, अरे मैं कब तक इस काली कलूटी और इस डेंजरस सास को झेलूंगी, ये सब मेरे बस की नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी अमीर लड़के को पटा लेती हूँ, कम से कम मैं उसके साथ खुश तो रहूंगी और फिर इतने ड्रामे भी नहीं होंगे मेरे साथ। देखते ही देखते सुप्रिया अपने ऑफिस के एक लड़के के साथ शादी करके भाग जाती है। जैसे ये बात कैलाश को पता चलती है, वो रोते हुए अपनी माँ और अपनी पत्नी काजल के पास आता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो काजल। तुम काली हो लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं, सुप्रिया ने तो 2 दिन में ही मुझे छोड़ दिया, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अरे बहू, शाम का भूला सुबह जब घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तू भी अपने गिले शिकवे को मिटा दे और कैलाश के साथ खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत कर। काजल कैलाश को माफ कर देती है, जिसके बाद काजल और कैलाश दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। 3 जादुई गाय। शहरी आबादी से कोसों दूर बड़ा पंचकुला गांव अपने आप में बेहद सुखी समृद्ध था, क्योंकि समय के साथ सभी जन ने अपने मिट्टी के गुमटी को तुड़वा कर उसे घर के सुंदर सांचे में गढ़वा लिया। मगर उसी गांव के अंतिम छोर में बसा गरीब हरिया आज भी अपनी पत्नी धनिया के साथ एक गरीब गुमटी में रहने को मजबूर था। वह बटाईदार के तौर पर साल के कुछ महीनों में मदन सिंह के जमीन पर खेती बाड़ी करके भरण पोषण करता, तो वहीं बदलते मौसम में उसे बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती, जिसे कभी कभार वह 2 वक्त का भोजन जुटाने में भी असमर्थ हो जाता। अरे धनिया, और कितना वक्त लगेगा, कुछ नहीं तो रात का बचा हुआ बासी तरकारी रोटी ही ला दो। ये लो जी, रात की रोटियां भी सेक दी हैं, खा लो। क्या बात है धनिया, तुम इतना हिचक क्यों रही हो? अजी, तुम्हें ये बासी खाना खाते देखकर मेरा कलेजा बहुत कचोटता है, जाने लक्ष्मी मैया कब हमारे घर की दुख और दरिद्रता दूर करेंगी। धनिया, भूखे के बेड़ा पर मिली हुई सूखी रोटी भी मेवे मिष्ठान से भरकर है। अच्छा चलत है, आज फसल की कटाई से पिछले 3 माह का मेहनताना तय होगा। लक्ष्मी मैया की दया दृष्टि रही तो अब के बरस हम गरीबों की दिवाली भी बड़े धूमधाम से बीतेगी। इसके बाद हरिया खेत पर पहुंचता है, जहां फसल को लहलहाता देखकर उसकी आस मानो मुकम्मल होती दिख रही थी। वह एक सवेर से देर सांझ तक गेहूं की फसल की कटाई खत्म करके कहता है, शुक्र है ईश्वर की दया से कटनी का काम निपट गया। फिर अचानक खेत का मालिक मदन सिंह वहां दस्तक देता है। अरे हरिया, हो गई फसल की कटाई? हाँ मालिक, कटनी से मिलाकर 50 बोरी गेहूं की बोरियां निकली हैं। बहुत खूब भाई, तेरे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है, तू जो बोता है उसका 10 गुना काटता है। ये ले तेरा मेहनताना। शुक्रिया मालिक, मुझ गरीब की दीपावली इससे मुकम्मल हो जाएगी। हरिया हंसी खुशी पैसे लेकर घर लौट आता है। अब दीपावली में 2 दिन शेष रह जाते हैं। सभी के घरों में दीपावली की साज सज्जा शुरू हो जाती है, मगर दीपावली के एक रात पहले 3 गाय गांव की सीमा में घुस आती है। उन्हें देखकर क्रूर कैलाशी डंडे से उन्हें खदेड़ते हुए कहती है, भाग भाग, अरे ये कुर्राह कच्चर गाय जाने गाँव में कहाँ से घुस आई, अरे बसंता दौड़ो। आवाज सुनकर बसंता बाहर आकर बोलता है, अरे क्या हुआ कैलाशी काकी? अरे बसंता देखना, जाने कहां से ये गाय गांव में घुस आई है। बसंता पास पड़े डंडे से गाय को मारने लगता है। गाय जोरों शोरों से करहाती हुई सींग हिलाने लगती है। तभी अचानक हरिया वहां आकर बसंता को रोकते हुए कहता है, रुक जा बसंता, बौरा गया है क्या? भला इस कदर कोई बेजुबान जानवर को मारता है? बेचारी इन गौ माता को लहूलुहान कर दिया। अरे मरखा गौ को मारे नहीं तो का पूजा करें? और तूने क्या इन गायों का बीड़ा उठा रखा है जो तेरा कलेजा कचोट रहा है? हाँ, उठाऊंगा मैं इन गायों का बीड़ा। किद की जिंदगी तो गरीब गुमटी में गुजर रही है, अरे इन 3-3 गाय को क्या द्वार पर बांधेगा? इसकी चिंता आप मत करो कैलाशी काकी, ये गाय मुझ गरीब के साथ ही रहेगी जब तक उसका मालिक इसे खोजते हुए नहीं आता। हरिया तीनों गाय को अपने घर लाकर धनिया को सारी बात बताता है। फिर धनिया कहती है, अजी आपने एकदम सही किया जो इन तीनों गौ माता को घर ले आए, वरना ये जल्लाद गांव वाले इन्हें मार डालते। दोनों दंपति दिवाली के लिए बचाए हुए पैसों से तीनों गाय के लिए दाने पानी और एक और गौशाला बनवाते हैं, मगर उस दंपति के दीपावली फीकी पड़ जाती है। वे तीनों गाय की खूब देखरेख करते हैं। दीपावली की देर रात एकाएक तीनों गाय जोर शोर से गुहार लगाती हैं, जिसे सुनकर दंपत्ति गौशाला में आते हैं, जहां तीनों गाय 3 अलग रत्नों में ढल चुकी थी।
जैसे एक गाय चमकते हीरे की तो दूसरी गाय सोने की और तीसरी गाय पैसे की बन चुकी थी। हैरान ना हो हरिया, हम तीनों जादुई गाय हैं। मैं हूँ सुनहरी गाय और ये हैं मेरी दोनों सखी लक्ष्मी और ललिया। तुम दोनों दंपत्ति महालक्ष्मी के सच्चे आराधक हो, इसीलिए माँ लक्ष्मी ने हम तीनों जादुई गाय को भेंट स्वरूप तुम्हारे घर भेजा है। कहो, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हैं? हे जादुई माता, मुझे गरीब के घर की कमी घटी आप भले तौर से देख रही हैं। बस इतना कर दीजिए कि हमारा भी जीवन आसान हो जाए। एकाएक हीरे पैसे और सोने के साचे में ढली तीनों जादुई गाय अपने जुबान के जबड़े को खोल देती हैं, जिसके भीतर से सोने के सुंदर सिक्के, चमचमाते हीरे और नोट की बौछार बरस पड़ती है, जिसके बाद पैसों की बनी जादुई लक्ष्मी गाय कहती हैं, हरिया धनिया, इन हीरे पैसे और सोने को बेचकर तुम सोंझे तौर पर अपने घर से दुख और दरिद्रता दूर कर लो। अगले दिन पूरे गांव में गोवर्धन पूजा की होड़ होती है। धनिया गाय के गोबर से अपने घर को लीप पोत कर काम खत्म करती है, जिसके बाद हरिया सुनार के हाथों सौदा किए रत्नों से जो पैसे मिलते हैं उसे सबसे पहले तीनों जादुई गाय के खातिर मावा मिष्ठान खरीद कर लाता है। ये तीनों जादुई गाय माता, आज आपके बदौलत मुझे गरीब बेबस के दिन फिरे हैं और मेरे घर के अनाज की बोरियां भरपूर भरी हैं। हरिया जादुई गाय का शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि बसंता बिलखता हुआ उसके पास आता है। अरे बसंता, तू रो बिलख क्यों रहा है? अरे गजब हो गया हरिया, दीपावली की रात मेरे भूल से द्वार खुला छूट गया और जाने कौन चोर उचक्का हमारे घर में हाथ साफ कर गया। सारा रुपया पैसा जेवर सब लूट ले गया। अरे सोचा नहीं था कि दीपावली के अगले दिन मेरे घर में दाने दाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। उधार के तौर पर थोड़ा बहुत राशन और पैसे हो तो दे दे, मैं तुझे जल्दी लौटा दूंगा। अरे चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं तेरी मदद करता। हरिया अपने तीनों जादुई गाय की ओर निहारते हुए कहता है, हे मेरी तीनों जादुई गौ माता, बसंता की मदद करो। हरिया का हुक्म सुनकर तीनों गाय अपने साधारण सूक्ष्म अक्ष को त्याग कर सुनहरे प्रकाश के साथ सर से लेकर पांव तक सोने हीरे और पैसे से बने अलग अलग गाय में बदल कर अपने मुंह से खूब सारे हीरे पैसे और सोने की बौछार लगा देती हैं। ये देखकर बसंता बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ कहता है, मैंने तो आज तक गायों को केवल दाना पानी और चारा चरते देखा था, मगर ये कैसी मायावी गाय है जो अपने जुगाली करने वाली जुबान से बेशकीमती हीरे पैसे और सोने की बौछार लगा रही हैं। लगता है ये दूसरी दुनिया से आई इच्छा पूर्ति गाय हैं। बसंता का सवाल सुनकर सर से पांव तक हीरों से सजी जादुई गाय ललिया अपना पुख्ता प्रमाण देकर कहती है, बसंता हम तीनों जादुई सोने हीरे और पैसे की गाय हैं, जिसे माँ लक्ष्मी ने हरिया और धनिया की भक्ति भाव को देख कर भेंट स्वरूप भेजा है। फिर तुम तीनों ने मेरी मदद क्यों की गौ माता? क्योंकि एक दूजे के दुखों सुख के बुरे बेला पर काम आना ही हमारा मुख्य कार्य है। यह सुनकर बसंता की आंखों के आगे वही बदसलूकी की झलक आ जाती है जो उसने कुछ दिन पहले तीनों जादुई गायों के संग किया था। वह अपने टखनों पर गिरकर जादुई गायों से माफी मांगता है। जादुई गाय माता, मुझे माफ कर दो, मैंने मूर्ता में आकर आप तीनों पर मारखा होने की मिथ्या में मारा पीटा। हमने तुम्हें माफ किया बसंता, जाओ और हमारे दिए हीरे पैसे और सोने से अपने घर की बदहाली को बदल कर सुनहरा आयाम दो। गोवर्धन पूजा के सांझ होने तक हरिया के तीनों जादुई गायों की खबर पूरे गांव में हवा की तरह सन्ना उठती है, जिसके बाद गांव का सारा समुदाय बारी बारी से तीनों जादुई गौ माता का पूजन करता है। बदले में तीनों जादुई गाय उन्हें भेंट में हीरे पैसे और सोना देती हैं। तीन जादुई गाय के आने से गरीब हरिया, जो कल तक बड़ी मुश्किलों से खेती बाड़ी करके जोड़ जमा से कभी खाता तो कभी भूखा रहता, आज वह सैकड़ों खेत खलिहान का मालिक है। बावजूद इसके हरिया और धनिया की आंखें घमंड से कभी नहीं चढ़ी। वह अक्सर अपने जादुई तीन गाय के जरिए गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता था। साथ ही अपने बदले बेहतर दिनों के लिए वह तीनों जादुई गाय को सफलता श्रेय देना नहीं भूलता। ये थी कहानी तीन जादुई गाय की एक झलक। कूड़ा कबाड़ा बीनने वाली गरीब सास बहू, चारों तरफ शहनाइयां बज रही होती हैं और विवेक मंडप में बैठा हुआ अपनी होने वाली पत्नी का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी होने वाली पत्नी नंदिनी शादी के जोड़े में आती है और मंडप में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। आखिरकार मेरे बेटे की शादी हो ही गई।
अब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे घर को मेरी बहू आराम से संभाल लेगी। शिल्पा अपने बेटे और अपनी बहू को घर ले आती है, जिसके बाद शिल्पा अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश करने के बाद शिल्पा अपनी बहू को उसके कमरे में छोड़ आती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शिल्पा का बेटा विवेक उसके कमरे में आता है और उससे कहता है, माँ ये आपने ठीक नहीं किया। आपको पता है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी थी और आपने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। ऊपर से जिससे मेरी शादी आपने करवाई है वो गाँव की गवार है, यहाँ तक कि अनपढ़ भी है। ऐसी औरत के साथ मैं कैसे रहूंगा? अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है ना, नंदनी कितनी समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो तेरा साथ जीवन भर निभाएगी। अरे माँ, इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैं एक गंवार औरत के साथ अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लूँ। और वैसे भी मुझे विदेश से जॉब का ऑफर आया है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुहाग रात वाले दिन विवेक अपना बैग पैक करता है और विदेश निकल पड़ता है। इस बात से शिल्पा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब मैं अपनी बहू से क्या कहूंगी? हे भगवान, ये विवेक ने क्या कर दिया। शिल्पा नंदिनी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, दरअसल विवेक को जल्दी में विदेश जाना पड़ा क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है। उसने कहा है कि वो जब वहाँ सेटल हो जाएगा तो हमें भी बुला लेगा। कोई बात नहीं माँ जी, विवेक जी पढ़े लिखे हैं, अभी उन्हें अपना करियर बनाना होगा, मैं उनके करियर के बीच में नहीं आऊंगी। नंदिनी की ये बात सुनकर शिल्पा को बहुत खुशी होती है, लेकिन वहीं दुख भी होता है, जिसके बाद शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही देखते विवेक को गए हुए पूरा एक साल हो जाता है। एक दिन नंदिनी शिल्पा से कहती है, माँ जी, विवेक जी को गए पूरे एक साल हो गया है। वो जब भी फोन करते हैं केवल आपसे ही बात करते हैं। क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? और अब वो हमसे और कितने दिनों तक दूर रहेंगे? अरे बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? कितनी बार तो उसे मैंने बुलाने के लिए कहा है, लेकिन वो है कि मेरी सुनता ही नहीं। शिल्पा नंदिनी को फिर से समझाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। नंदिनी जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर विवेक एक मॉडल लड़की के साथ खड़ा होता है। उस लड़की की मांग में सिंदूर भरा होता है। विवेक जी, आप आ गए? अरे ये क्या, तुम अभी तक यहीं हो? तुम अपने मायके वापस नहीं गई? अरे माँ, माँ कहाँ हो? देखो आपका बेटा आ गया है। विवेक नंदिनी को नजरअंदाज करके घर के अंदर चला जाता है और शिल्पा को गले से लगा लेता है, जिसके बाद विवेक शिल्पा से कहता है, देखो माँ, ये रही आपकी बहू। मैंने कहा था शादी में उस लड़की से करूंगा जो मेरे टक्कर की होगी। अरे बेटा, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। अरे तू तो पहले से ही शादीशुदा था, अब नंदिनी का क्या होगा? वो बेचारी पूरे एक साल से तेरे आने का इंतजार कर रही थी और तूने उसे ही धोखा दे दिया। माँ, मैंने तो आपसे कहा था ना फोन पर कि उसे उसके घर भेज दो, आपने क्यों नहीं भेजा? देखो माँ, आज से आपकी बहू निशा है, ना कि नंदिनी। नंदिनी ये सब सुन लेती है और वो खड़ी खड़ी रोने लगती है। विवेक अपनी पत्नी निशा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। माँ जी, आपने क्यों इतना बड़ा राज मुझसे छुपाया? मुझे माफ कर दे बहू, मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा इतनी बड़ी गलती कर देगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे पैर मत पड़िए, बस मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। अगर मैं यहाँ से घर वापस लौट गई तो मेरे माता पिता की बहुत बदनामी होगी। मैं इस घर के किसी भी कोने में रह लूंगी, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिएगा। नंदिनी अपनी सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं निशा बहुत तेज होती है, वो विवेक को अपनी बातों में फंसा कर बेचारी नंदिनी और शिल्पा दोनों सास बहू को घर से बाहर निकलवा देती है। अब बेचारी नंदिनी और शिल्पा के पास कोई ठिकाना नहीं होता और ना ही उनके पास पैसे होते हैं। अरे बहू, तू क्यों मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? जा, तू अपने माता पिता के पास चली जा, मैं तो कहीं भी अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी। नहीं माँ जी, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, आप मेरी माँ जैसी हो और आपका साथ निभाना मेरा फर्ज है। ऐसा कहकर नंदिनी सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा बीनने लगती है, जिसके बाद वो कूड़ा बीन कर एक कबाड़ी को दे देती है। कबाड़ी नंदिनी को कुछ पैसे दे देता है, जिसे देखकर शिल्पा कहती है, मुझे नहीं पता था कि हमारे ऊपर ऐसी नौबत आएगी कि हम लोग
कूड़ा बीनना शुरू कर देंगे। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता माँ जी, पेट के लिए जो काम मिल जाए वही सबसे बढ़िया है। और फिर इस काम से हमें पैसा नहीं लगाना होगा, और फिर इस काम में हमें पैसा नहीं लगाना होगा, इसके चलते हमारा वातावरण भी साफ रहेगा। नंदिनी की बात सुनने के बाद शिल्पा भी उसके साथ कूड़ा बीनना शुरू कर देती है। दोनों सास बहु कूड़ा बीन कर दो पैसे कमाते, उनसे वो अपना रोजमर्रा का खर्चा निकाल लेती। देखते ही देखते उनका कूड़ा बेचने का काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके चलते वो एक किराए पर घर ले लेते हैं। एक दिन नंदिनी कबाड़ी की दुकान पर जाकर कबाड़ा बेच रही होती है, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कबाड़ी से कूड़ा खरीद रहा होता है। अरे वाह, ये कबाड़ी वाला हमसे सस्ते में कूड़ा खरीद कर इस आदमी को अच्छे दामों पर कूड़ा बेच देता है। क्यों ना मैं भी इसी प्रकार कूड़ा इकट्ठा करके सीधा इस आदमी को बेचूं। नंदिनी ये बात अपनी सास शिल्पा को बताती है, जिसके बाद दोनों सास बहु उस आदमी को अपना सारा कूड़ा बेच देते हैं, जिससे उन्हें 4 गुना पैसा मिलता है। अब वो इसी प्रकार डायरेक्ट उस आदमी को कूड़ा बेचने लगते हैं, जिसके चलते वो अपनी खुद की एक बहुत बड़ी कूड़े की फैक्ट्री खोल लेते हैं और अपना कूड़े का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते उन दोनों की सारी परेशानी खत्म हो जाती है और वो अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन नंदिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो गई। एक वक्त था कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन आज देखो, आज हम गरीब लोगों को अपने कूड़े की फैक्ट्री में नौकरियाँ देते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। वक्त सबका आता है बहु, कल तक हमारा वक्त खराब था लेकिन आज अच्छा है, ये सब ऊपर वाले की देन है। दोनों सास बहु आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे बहु रुक, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। शिल्पा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका बेटा विवेक खड़ा होता है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है, वो अपनी माँ को देखते ही रोते हुए कहता है, माँ माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे अपनी गलती का पछतावा है माँ, निशा ने मुझे धोखा दिया और मेरा सारा पैसा लूट कर चली गई। अच्छा तो ये बात है, तुझे क्या लगता है कि हम तुझे माफ कर देंगे? अरे चला जा यहाँ से, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। तभी नंदिनी आती है और कहती है, रुक जाइए विवेक जी। अरे माँ जी आप ऐसा क्यों कर रही हो? विवेक जी को उनकी गलती का पछतावा है, आप उन्हें माफ कर दीजिए। मैं इसे कैसे माफ करूँ, इसने तुझे ही नहीं मुझे भी धोखा दिया है, अरे एक बेटे होने तक का फर्ज नहीं निभाया इसने। सुबह का भूला जब शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहती। आप अपना गुस्सा थूक दीजिए क्योंकि मैंने विवेक जी को माफ कर दिया है। देखा बेटा तूने, जिस औरत को तूने ठुकराया था आज वही तुझे माफ कर रही है। विवेक नंदिनी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगता है। नंदिनी विवेक को उठाती है और घर में ले आती है। उस दिन के बाद से शिल्पा, नंदिनी और विवेक